हेलो गाइस, तो ये मैं ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए। देखो ये लिया है मैंने नीचे मोड़ने के लिए, और उसकी लंबाई है 13। ये 13 पे निशान लगा लिया मैंने, और 2.5 पे मुझे गले का निशान लगाना है, 3 पे मुझे शोल्डर का, ये इससे सीधा कर लेते हैं उसको। ये मुद्दे, ये सीना हमारा 30 है, तो इसका 7.5 लेना है, ये रहा। और ये 2 इंच मारो, इतना ही निशान यहाँ पे इसको ये कर लिया। गला लेना है मुझे 8, तो 8 पे ये यहाँ पे 3, और मैं इसकी गुलाई बाद में देंगे, क्यों वो कढ़ाई वाला है। तो मैं निकालती हूँ आगे वाला हिस्सा, इसी को रखे आगे वाला हिस्सा, जो पीछे वाले हिस्से से 1.5 इंच बड़ा रखना है उसको, ऐसे ये कर लिए। किनारी है ना इसलिए ये गले का निशान ये लगा, ये शोल्डर आ गया वही 3 पे। गला लेना है मुझे 6.5, ये अब मैं काट रही हूँ गले की गोलाई। पूरा वीडियो देखिए आप। अब मुझे इसका सीना 30 है, तो इसका 13 लेना है 11.5 पे, वो कंप्लीट आ जाएगा 11 पे। ये मैंने गुलाई दे दी,
और ये मैं चनार चुन्नटों का निशान लगा रही हूँ, जैसे चार पे और यहाँ पे दो, ये लगा यहाँ पे दो, डेढ़ का ये इसको गुलाब में कर लिया, मैं इसको ऐसे कर लूंगी, ये पीछे निशान आ गई आ गए, आप इसको डेढ़ का ये इसको गुलाब में कर लिया, मैं इसको ऐसे कर लूंगी, ये पीछे निशान आ गई आ गए, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। अब बाजू काटूंगी मैं बाद में, ये तीरा हो गया, ये आगे का हिस्सा हो गया, ये पीछे वाला हो गया, पीछे गला वो कढ़ाई वाला है जो भी मैं निकालूंगी, ये अपना अस्तर इसको डबल कर लिया, और ये बिल्कुल क्यूट में आना चाहिए, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ बल पाटन में मैं जो भी पीछे का हिस्सा बनाऊंगी, गला काटूंगी, जो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, वो बाद में की मैं बाद में काटूंगी, पहले आगे का मैं हिस्से में पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी इसको सिलूंगी मैं पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी आपको, मिलती हूँ इसको शुरू करने के बाद।